घर फूटे और गबाड़ लूटे। देखिए कांग्रेस तो आरजेडी से अलग हो गई, कांग्रेस अब अपने पैरों पे खड़ी है दोनों जगहों पे, और उनका कैंडिडेट बेहतर परफॉर्मेंस ही नहीं करेगा, दोनों जगह चुनाव जीतेगा। चूंकि इसलिए कि जेडीयू को प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ही हराना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के लगातार नेता जेडीयू के खिलाफ बयान दे रहे हैं। एक तरफ नीतीश जी कह रहे हैं कि नीति आयोग का रिपोर्ट गलत है, और उसी के कलहों के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि नीति आयोग का रिपोर्ट सही है, यानी कि नीतीश कुमार जी बिहार में कोई विकास नहीं किया। यह संदेश देख के भारतीय पार्टी जेडीयू के प्रत्याशी को हराना चाहते हैं। आरजेडी और कांग्रेस में सीधा टक्कर है, तो आरजेडी के लोगों ने कांग्रेस को धोखा दिया और जनता आरजेडी को धोखा देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार की सियासत लगातार गरमाती जा रही है, सियासी गलियारों में काफी हलचल है। ऐसे में तेज प्रताप यादव ने और भी ज्यादा सियासत को गर्म कर दिया है। हमारे साथ तमाम विषय पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के कद्दावर नेता मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी हैं। राजेश राठौर जी, कांग्रेस और राजद यूं कहें महागठबंधन में एक पहली टूट की लकीर जो है वो दिख गई है, वहीं तेज प्रताप यादव ने भी अपना उम्मीदवार जो है वो कहीं ना कहीं उतार दिया है तारापुर में, तो क्या अब राजद के अंदर भी एक लकीर खींच गई है? देखिए एक कहावत है पुरानी, घर फूटे और गबाड़ लूटे। अच्छा। तो आरजेडी उसी ओर जा रहा है कि महागठबंधन क्यों तोड़ा गया, क्यों महागठबंधन से अलग होकर जबरन कांग्रेस के सीट पर आरजेडी ने अपनी प्रत्याशी दी, क्योंकि वह सीट परंपरागत तरीके से कांग्रेस पार्टी का था, है और रहेगा। तो इसमें आरजेडी जो तारापुर लड़ी थी 2020 में, तो तारापुर लड़ना चाहिए था। 2020 में हम लड़े थे कुशेश्वर स्थान, तो कांग्रेस पार्टी लड़ती, लेकिन बिना बात किए आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारा, यानी कि गठबंधन धर्म का पालन आरजेडी ने नहीं किया। तो आरजेडी जब जब गठबंधन धर्म को तोड़ता है तब तब उसका खामियाजा देखा है। 2009 के लोकसभा चुनाव के हम उदाहरण दें कि हम मात्र यहाँ 8 सीट मांग रहे थे और इन्होंने 3 सीट दे के घोषणा कर दी। उत्तर प्रदेश में हम 12 सीट मांग रहे थे और 8 सीट दे के मुलायम सिंह यादव ने घोषणा कर दी, और कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अंतिम निर्णय लिया कि हम स्वतंत्र होकर लड़ेंगे। तो बिहार में 4 सीट हम जीते और 4 सीट लालू यादव जी भी जीते, और 7 लड़ते तो हम बेहतर जीतते। उत्तर प्रदेश में हम 12 सीट मांग रहे थे तो देने में दिक्कत हो रही थी, हम इंडिपेंडेंट लड़े, प्रथम फेज का चुनाव हो चुका था, तब हम 22 सीट जीते, मुलायम सिंह 21 सीट जीता और मायावती जी 23 सीट जीते। तब जबकि प्रथम चरण के जो नॉमिनेशन हो रहा था तो मेरे प्रत्याशी नॉमिनेशन इसलिए नहीं कर पाए कि हम अलायंस का इंतजार कर रहे थे। यानी आप लोग मान रहे हैं कि आप लोग का स्ट्राइक रेट बेहतर है, राजद जिस तरीके से सवाल लगातार खड़ा कर रहे हैं। एकदम बेहतर है, मुझे 70 सीट दिया गया विधानसभा चुनाव में, हम कहाँ इनकार करते हैं, लेकिन 70 सीट कब दिया गया? कल नॉमिनेशन और आज मुझे दिया जाता था कि ये सीट आपका है। हम तो आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि मेरा कुम्हरार का 30,000 से हारा हुआ सीट रातों रात आरजेडी ने क्यों ले लिया, और अपना मात्र 1700 से हारा हुआ पटना साहिब हमको क्यों दे दिया रातों रात? हमको भागलपुर से प्रत्याशी लाना पड़ा, मेरा प्रत्याशी बेहतर परफॉर्मेंस किया, फिर भी हम 5,000 से हार गए। लेकिन सीट पर समन्वय होता तो वह सीट बेहतर से जीता जाता। तो मैं समझता हूँ कि सीट बंटवारे से पहले बेहतर समन्वय नहीं होने के कारण स्ट्राइक रेट हम दोनों का पुअर होता है। अगर ठीक से बात हो गई होती, 70 सीट हमको समय पे दे दी गई होती तो हम भी 20-25 सीट और जीते और आरजेडी भी 20-25 सीट और जीती, और आज 2/3 बहुमत से तेजस्वी यादव की सरकार बनी होती। लेकिन कोई तो है आरजेडी में जो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते, वह कौन आदमी है ये तेजस्वी जी को देखना है। तेजस्वी जी तेज नेतृत्व के व्यक्ति हैं,
तेज परख के व्यक्ति हैं, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर लेंगे कि उनके दल में कौन है जो उनको मुख्यमंत्री बनने से रोके। मैं अब दोबारा इस बात को बोलता हूं कि समन्वय के साथ सीटों की बंटवारा हुई होती आरजेडी और कांग्रेस में, तो आज तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री होते। आज बिहार जो कुरीतियों से लड़ रहा है, नीतीश कुमार के निरंकुश शासनकाल से लड़ रहा है, इससे निजात दिला के तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के प्रयास रोके थे। आप सवाल उठा रहे हैं तो कौन है वो? तेजस्वी यादव जी समय पर चिन्हित कर लेंगे कौन है, वो भी समझते हैं, उनके घर की बात है और बहुत समझते होंगे। आने वाले समय में जब चुनाव आएगा तो बहुत करेंगे। राठौर जी, तेज प्रताप यादव तारापुर में अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे, कितना खामियाजा जो है वो राजद को भुगतना पड़ेगा, कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस तो आरजेडी से अलग हो गई, कांग्रेस अब अपने पैरों पे खड़ी है दोनों जगहों पे, और उनका कैंडिडेट बेहतर परफॉर्मेंस ही नहीं करेगा, दोनों जगह चुनाव जीतेगा। चूंकि इसलिए कि जेडीयू को प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ही हराना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के लगातार नेता जेडीयू के खिलाफ बयान दे रहे हैं। एक तरफ नीतीश जी कह रहे हैं कि नीति आयोग का रिपोर्ट गलत है, और उसी के कलहों के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि नीति आयोग का रिपोर्ट सही है, यानी कि नीतीश कुमार जी बिहार में कोई विकास नहीं किया है। यह संदेश दे के भारतीय पार्टी जेडीयू के प्रत्याशी को हराना चाहते हैं। आरजेडी और कांग्रेस में सीधा टक्कर है, तो आरजेडी के लोगों ने कांग्रेस को धोखा दिया और जनता आरजेडी को धोखा देगी। तेज प्रताप यादव का जो उम्मीदवार उतार रहे हैं चुनाव मैदान में, खामियाजा किसको? देखिए, तेज प्रताप यादव जी, अब मैंने पहले ही एक दोबारा उस शब्द को बोल रहा हूँ, मुहावरा को, कि घर फूटे और गवार लूटे। जब भी घर टूटता है तो उसका लाभ कहीं ना कहीं पड़ोसियों को होता है और घर कमजोर होता है। इसीलिए हमेशा गठबंधन कैसे मजबूत रहे, परिवार कैसे मजबूत रहे, इस पे पहल आवश्यक है। और जब पहल कोई इसके जिम्मेदार कौन है मैं नहीं कहता, लेकिन गठबंधन धर्म का पालन नहीं हुआ, परिवार से ही कोई दूसरा अपने प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं, तो इसकी मध्यस्थता बड़े पैमाने पर व्यापकता में होनी चाहिए, नहीं तो इसका खामियाजा अवश्य भोगना पड़ेगा। अच्छा, जो कुछ तेज प्रताप यादव के साथ बीते कुछ दिनों से हो रहा है, स्टार प्रचारकों में तेज प्रताप यादव का नाम नहीं है, विधायक दल की बैठक में तेज प्रताप यादव नहीं पहुंचते हैं, क्या लगता है कितना सही है? देखिए, वो उनके दल का वो मामला है, या परिवार की बात करूं तो उनके परिवार का मामला है, इसमें हमें कुछ नहीं है। और गठबंधन में रहते तो मैं अपनी राय देता, लेकिन स्पष्ट है कि आरजेडी भी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और बिहार का बड़ा दल है, उनके घर उस दल के बड़े नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि उनका दल और लालू प्रसाद यादव जी के परिवार की एकजुटता कैसी बनी रहे। तो हम समझते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी बीमार थे, दिल्ली हैं, वो आएंगे तो अपने परिवार को ठीक से संभालेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी का नेतृत्व सबने देखा है, वो बेहतर तरीके से अपने पार्टी को भी ले चलते हैं और बेहतर तरीके से अपने परिवार को भी ले चलेंगे, ऐसा हमें लगता है। तो कहीं ना कहीं अभी कोऑर्डिनेशन का अभाव होगा, जिसकी वजह से इस प्रकार के निर्णय हो रहे होंगे। कोऑर्डिनेशन का अभाव है, यही कारण है कि राजद में भी इस तरीके की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। खैर, लाइफ स्टीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।